बिग बॉस 14 में राखी सावंत ने एक चैलेंजर के तौर पर बीबी हाउस में एंट्री ली थी और राखी सावंत ने घर में आते ही दर्शकों और घर वालों का भरपूर मनोरंजन करना शुरू कर दिया था। यहां तक कि सलमान खान ने भी कहा था कि राखी ही अपने एंटरटेनमेंट से शो चला रही है। वहीं अभिनव शुक्ला के साथ राखी का लव कनेक्शन भी सबको खूब लुभा रहा था, लेकिन राखी के लाइन क्रॉस करने के बाद शो में बहुत हंगामा भी हुआ था। और अब शो के खत्म होने के बाद राखी सावंत ने एक इंटरव्यू में अभिनव शुक्ला के साथ अपने लव लपाटा को लेकर खुलकर बात की है और बताया कि अभिनव के साथ लव कनेक्शन उनकी पत्नी रूबीना के उकसाने के बाद ही शुरू हुआ था। राखी ने बताया कि सारी बातें मैंने अभिनव को क्लियर करी थी कि सब लोग आपको बोरिंग कहते हैं, आपका फोटो फाड़ते हैं, मैं आपको इंटरेस्टिंग बनाना चाहती हूं, तो चलो आज से हमारा लव लपाटा शुरू होगा। मैंने रूबीना को बोला था, देखो कैसे मैं तुम्हारे हस्बैंड को लव लपाटा करके एंगल चेंज करती हूँ, तो रूबीना ने बोला प्लीज ले जाओ, कुछ करो, कम से कम ये बोरिंग का टैग तो निकल जाए। वहीं राखी की वजह से ही अभिनव को इम्यूनिटी भी मिली थी। राखी ने बताया कि अभिनव के साथ उनके कनेक्शन जब दर्शकों को पसंद आने लगे तब घर वाले रूबीना का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद रूबीना थोड़ी चिढ़ गई थी, जिसके बाद एक बार रूबीना ने गंदे पानी भी राखी पर डाल दिया था और राखी रूबीना की इस हरकत से काफी दुखी हो गई थी। इसलिए राखी का कहना है कि जो भी हुआ उसके लिए वो अकेली जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि रूबीना ने ही ऐसा करने के लिए चांस दिया था और ये भी कहा था लव लपाटा करो और इन दोनों ने मेरा फायदा उठाया है, जिसकी वजह से इन पति पत्नी को खूब लाइमलाइट मिला।